अभी भी किसानों की नाराजगी जारी है। जिले के 6 स्थानों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी किसानों को धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वहीं रायपुर के पूर्व कलेक्टर और भाजपा के नेता ओपी चौधरी भी बिरकोना पहुंचकर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने धान खरीदी के मुद्दे पर भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो पूरी मेहनत के साथ अपना उत्पादन किया, उसके धान को बेचकर पूरा वो अपना साल भर के खर्चे चलाते हैं, लेकिन ये जो सरकार जो किसान को हित के लेकर के किसान को लुभाने वादे करके सरकार में आई है और ये छत्तीसगढ़ किसान को छला जा रहा है। लगातार 150 घंटे से जिले के किसान हाईवे को जाम कर रखे हैं, जिसके कारण से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। तो वही किसान जिले के जो है 13,000 किसानों का धान खरीदी नहीं हुआ, जिसके कारण से ये धरना प्रदर्शन अब विकराल रूप होते जा रहा है। और खास बात यह है कि अब किसानों के धरना प्रदर्शन के लिए समर्थन देने के लिए हमारे साथ रायपुर के पूर्व कलेक्टर और वर्तमान में जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता है ओपी चौधरी जी, वो पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर आप पहुंचे हुए हैं सर। आप सबको पता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर 150 घंटे से किसान भाई अपने टोकन को अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री भी बयान दे रहे हैं कि धरना जो हो रहे हैं प्रदेश में, ये चक्का जाम जो हो रहा है वो कोचियों का है। आज किसान मुख्यमंत्री जी को कोचिया नजर आ रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है। और संवेदनशीलता दिखाने के बजाय लाठी बरसाया जा रहा है, फरियाद दर्ज किया जा रहा है। ये संवेदनहीनता की सरकार की कांग्रेस सरकार की पराकाष्ठा है। ऐसे परिस्थिति में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आकर मुख्यमंत्री जी खुद देखें कि यहाँ पे किसान भाई बैठे हैं, कोई कोचिया नहीं बैठा है, टोकन अपने अपने हाथ में लेके बैठे हैं और इनके दर्द को समझें और संवेदनशीलता को परिचय। इससे ये खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह क्या है? दगा कर रहे हैं। मूल रूप से ये झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं और इनको पता है कि 5 साल ही रहना है इनको, 3.5 साल और बचा है। तो इसीलिए इसमें इनकी प्राथमिकता किसान, गरीब, युवा, महिला ना हो करके ये ट्रांसफर उद्योग जैसी, भ्रष्टाचार जैसी प्राथमिकता है। तो ये थे पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी जी के साफ तौर से कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव के समय से गंगा जल उठाकर जो कसने खड़ी थी और जो वादा किया था उसको निभाने के लिए साफ तौर से ओपी चौधरी जी पहुंचे हुए हैं किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए। और किसानों का साफ तौर से कहना है अगर कहीं मांगे कहीं पूरी नहीं होगी तो आने वाले जो समय में विकराल रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे और हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और जब तक हमारे मांगे कहीं पूरी नहीं होगी तो हम आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कवर्धा से एक्सप्रेस प्रदीप गुप्ता, छत्तीसगढ़ में धान खरीद।